साला उस गाड़ी ने गर्दन को जंग लगे स्टेरिंग की तरह जाम कर दिया। अरे ये फिर कहां से आ गए? पुलिस वाले को टक्कर मारता है? किधर गया? ये दिखता ही नहीं। अरे पागल हो गया क्या? तूने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। साला हुल देता है, ए, पुलिस को हुल देता है, पीछे भागता है। ए, रुक जा मैं कहता हूं, रुक जा। अरे रुकना, साला हड्डी फसले एक कर दूंगा। अबे रुक, अरे आदमी है क्या जानवर? अरे रुकना, रुक। राम को रुकता क्यों नहीं है? फिर भागता है, पुलिस को दौड़ाता है, हाँ? अरे समझता क्या अपने आपको? साला 2x2 का होकर 6x6 को दौड़ाता है। एक बार हाथ में लग, साला कुर्सी में से खटमल निकाल के मारते है ना, वैसे मारूंगा। हवा में एक बार फायर किया तो लाइन पर आ गया है। चल निकल बाहर। अरे बाप रे, यहां तो कोई नहीं है। अरे तुम लोग हटो मत, नहीं तो मैं बलि का बकरा बन जाऊंगा। चाबी कहाँ गई? लगता है जीप के साथ गिर गई। अब क्या करूं? गैरेज में से घुसता हूँ, गैरेज में से घुसता हूँ। अरे बाप रे, ये यहाँ भी?
जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हेडक्वार्टर, मैं विजय, नहीं अजय, क्या नाम है मेरा, मैं भूल गया, मैं इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। सर, मुंबई की एक कार मेरी जान लेना चाहती है। उस कार का नंबर है MH01M37 और सबसे हैरानी की बात है उस कार में। हमारी खुशखबरी बहुत जल्दी सुननी है। ओह प्लीज। हमारी? और नहीं तो क्या? Sure, why not? Thanks for coming, yeah. Thanks for coming. Congratulations once again. Thanks a lot. Bye, Priya. Bye. Bye. Take care. Bye bye. Yeah, okay, bye. See you. Oh hi. Thanks for coming. ये क्या है इंस्पेक्टर? किसी का भी खून कर देता है, किसी को भी मार देता है वो। किसी को नहीं मिस्टर डिकोस्टा, वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा है जिनका फंडा आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर चोपड़ा दोनों आपके पार्टनर थे और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि इंस्पेक्टर संजय शर्मा का भी आपके साथ पुराना कनेक्शन था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसका मतलब चौथा नंबर डैड का है। शट अप, क्या बकवास करता है? मिस्टर डिकोस्टा, ये ठीक कह रहा है। जिस तरह से आपके साथियों के मर्डर हो रहे हैं उससे लगता है कि हिट लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पुलिस प्रोटेक्शन ले लें। हाँ, ले लीजिए डिकोस्टा साहब, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अरे वो कार से कुचलकर पहले हड्डियां तोड़ता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती भी नहीं। अरे ऐसी मौत मारता है कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे डैड को बचा लीजिए प्लीज, इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। डैड, आप मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं अनाथ हो जाऊंगा। डैड प्लीज, आई विल बी एन ऑर्फन चाइल्ड। शट अप, अभी मैं जिंदा हूं ना। अब मुझे प्रोटेक्शन देने के बजाय उस कातिल को अरेस्ट क्यों नहीं करते? यही तो फंडा है, मेरे पास राज के कातिल होने का कोई सबूत नहीं है। मैं सिवाय प्रोटेक्शन देने के और कुछ नहीं कर सकता। जब भी आपको पुलिस की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। घर में रहना, खुले में घूमना नहीं। जो जो तू मुझे हमेशा डराता है, तू डर जाता है तो मैं भी डर जाता हूँ। नहीं डैड, आप डर जाते इसलिए मैं डर जाता हूँ। ठीक है, आज के बाद नहीं डरेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे। राइट डैड।